आईपीएल रिटेंशन और ट्रेडिंग से जुड़ी हुई अब तक की सबसे बड़ी वीडियो है, क्योंकि रिटेल लिस्ट आने में सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं और 10 प्लेयर इस समय रिटेंशन से तुरंत पहले ट्रेडिंग की लिस्ट में भी हैं। कौन कौन होने वाला है ट्रेड, कौन हो चुका है ट्रेड, किसका है अगला नंबर, सब पर बात करेंगे। एंड तक वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तमाम रिपोर्ट हर रोज आईपीएल से जुड़ी हुई सबसे पहले पाने के लिए यहाँ कहीं नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। पहले प्लेयर दोस्तों जो कि ट्रेड हो चुके हैं, हालांकि इनके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जेसन बेरेंड्रॉफ आरसीबी की टीम में पिछले साल 75 लाख रुपए में खेल रहे जेसन बेरेंड्रॉफ अब इस साल मुंबई इंडियंस की टीम में खेलेंगे, क्योंकि ये ट्रेड इनिशिएट सक्सेसफुल हो चुका है। टोटल 75 लाख रुपए में ये ट्रेड हुआ है, मतलब मुंबई इंडियंस की जेब से 75 लाख रुपए जाएंगे, आरसीबी की जेब में आएंगे। ये ट्रेड कितना सक्सेसफुल है और किसको फायदा है, आरसीबी को फायदा इस ट्रेड के होने से या मुंबई को फायदा हुआ है बेरेंड्रॉफ पर, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और आरसीबी मुंबई के फैन वीडियो को लाइक कर दो। बेरेंड्रॉफ के बाद दूसरे प्लेयर जो कि ट्रेड हुआ है वो है रहमानुल्लाह गुरबाज। जी हां, अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज पिछले साल गुजरात टाइटंस की टीम में खेल रहे थे 50 लाख रुपए में, लेकिन इस साल 2023 के आईपीएल में केकेआर में खेलेंगे, क्योंकि ये ट्रेड भी सक्सेसफुल हो चुका है। सुबह ये रिपोर्ट आई है आईपीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर कि रहमानुल्लाह गुरबाज का ट्रेड हुआ है और वो गुजरात टाइटंस छोड़कर अगले साल कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में जाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि इस ट्रेड से किस टीम को फायदा मिलेगा, और जीटी के फैन हो या केकेआर के फैन हो वीडियो को लाइक कर दो। आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्लेयर जो कि फाइनली कंफर्म ट्रेड हो गए हैं वो है लॉकी फर्ग्यूसन। कीमत ज्यादा थी, विश्वास किसी को नहीं हुआ, लेकिन फाइनली ये ट्रेड हुआ। गुजरात टाइटंस की टीम छोड़कर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में एक तरह से वापस जाएंगे लॉकी फर्ग्यूसन, क्योंकि पहले भी एक जमाने में, अलग एक जमाना बोल रहा हूँ, 2 साल पहले 1 साल पहले ही लॉकी फर्ग्यूसन केकेआर की ही टीम का हिस्सा थे, तो ये ट्रेड इनिशिएट हुआ। लेकिन हैरानी नहीं है कि ये ट्रेड हुआ, हैरानी इस बात की है कि 10 करोड़ रुपए केकेआर देगा गुजरात टाइटंस को, गुजरात टाइटंस की जेब में आएंगे। गुजरात ने ये ट्रेड कर अपनी बैलेंस पर्स, अपनी जेब बहुत भर ली है नीलामी और रिटेंशन से पहले। हालांकि अब आप कमेंट बॉक्स में बताओ कितना सक्सेसफुल ट्रेड है। चौथे प्लेयर जो कि ट्रेडिंग की लाइन में, ट्रेड लिस्ट में अपना नाम अभी भी लिखवाया हुआ है वो शिवम मावी। 7.25 करोड़ रुपए में पिछले साल केकेआर ने खरीदा था। केकेआर शिवम मावी को गुजरात टाइटंस को देना चाहते हैं, बट अभी गुजरात टाइटंस ने इस ट्रेड को होल्ड कर रखा हुआ है, क्योंकि लॉकी फर्ग्यूसन का ट्रेड तो कन्फर्म हो गया है। बहुत जल्दी कभी भी ये रिपोर्ट आ सकती है कि शिवम मावी भी ट्रेड होंगे। अभी तक कोई आधिकारिक कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि शिवम मावी केकेआर से ट्रेड होकर गुजरात टाइटंस में चला जाए। 2 दिन बचे अभी ट्रेडिंग विंडो को, और खुली रहेगी 2 दिन और ट्रेडिंग विंडो, तो उसमें अभी हमें और कुछ भी देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि लॉकी फर्ग्यूसन जा चुके हैं, शिवम मावी का अगला नंबर लग सकता है। 7.25 करोड़ रुपए इनकी कीमत है। मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए ट्रेड, मेरे हिसाब से तो शिवम मावी को रिलीज होना चाहिए, बहुत महंगे हैं। बाकी इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। पांचवें प्लेयर जो कि ट्रेडिंग की लिस्ट में, ट्रेड लिस्ट में अपना नाम लिखा रहे हैं, उनका नाम बताऊंगा, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम पर आप हमें जरूर फॉलो कर लीजिए। देखो रिटेंशन आने वाला, उससे जुड़ी हुई तमाम रिपोर्ट, फैक्ट, न्यूज अपडेट्स और आईपीएल ऑक्शन, सबसे पिन बराबर की जो न्यूज खबर है ना, सबसे पहले टेलीग्राम पर आती है, यूट्यूब से भी पहले। गूगल पर जाइए, दरियल एमसीपी सर्च कीजिए, सर्च रिजल्ट में जो पहला रिजल्ट आएगा उसे खोलिए, आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम पेज पर पहुंच जाएंगे। ये गूगल का ऑथेंटिक तरीका अपना लेना, आप हमें फॉलो कर लेना, द रियल एमसीपी नाम से हमारा चैनल है। देखो यार, डायरेक्टली टेलीग्राम पर सर्च करोगे मैं मिलूंगा नहीं, मेरे नाम से फेक अकाउंट बहुत है, इसलिए गूगल वाला तरीका अपनाना। पांचवें प्लेयर जो कि ट्रेड हुए हैं वह है शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर का नाम भी ट्रेड लिस्ट में है। दिल्ली कैपिटल से शार्दुल ठाकुर उड़कर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में जा सकते हैं, और 10.75 करोड़ रुपए का ये ट्रेड हो सकता है। लेकिन अभी ये ट्रेड हॉल्ट पर है। इससे जुड़ी हुई जो खबर निकल कर आ रही है वो ये निकल कर आ रही है कि चेन्नई सुपर किंग्स को शार्दुल ठाकुर 10.75 करोड़ रुपए में थोड़े से महंगे लग रहे हैं, दिल्ली इनको रिलीज करने वाली है। तो हो सकता है कि ठाकुर नीलामी में जाए और चेन्नई वहां से खरीदे, लेकिन अभी ट्रेड लिस्ट में ठाकुर का नाम है। 2 दिन है, कुछ भी हो सकता है, चेन्नई ले भी सकती है। ऑल दो कीमत बहुत हाई है, 10.75 करोड़ रुपए बहुत होता है शार्दुल ठाकुर के लिए, जो कि उस तरह के फॉर्म में दिखे नहीं थे। शार्दुल ठाकुर के बाद छठवें प्लेयर जिनका नाम ट्रेड लिस्ट में है वो है भैया लखनऊ सुपर जायंट्स के जेसन होल्डर। अब किस टीम में जाएंगे ये तो नहीं पता, लेकिन जेसन होल्डर की कीमत बड़ी थी, 8.75 करोड़। जी हां, 8.75 करोड़ रुपए में खेल रहे थे लखनऊ सुपर जायंट्स में जेसन होल्डर। यार देखो, इस प्राइस पॉइंट में, ट्रेड लिस्ट में इनका नाम जरूर है, पर मुझे नहीं लगता कोई भी टीम खरीदेगी। ऑल दो T20 क्रिकेट में इनके जैसे ऑलराउंडर की जरूरत बहुत पड़ती, खरीद भी सकती, कुछ बोल नहीं सकते। लखनऊ इनको रिलीज कर रही है, ये कंफर्म है, तो ट्रेड लिस्ट में इनका भी नाम है, देखते हैं 2 दिन में कहां जाता है। सातवें प्लेयर जिनका नाम है वो है मयंक अग्रवाल, पंजाब किंग्स की टीम के कप्तान मयंक अग्रवाल।
अब पंजाब की कप्तानी नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट्स ये है कि इनको ट्रेड लिस्ट में भी और रिलीज लिस्ट में भी पंजाब किंग्स ने डाल दिया। आपको बता दें 12 करोड़ रुपए के हैं। मयंक अग्रवाल के ट्रेड या रिलीज होने का मतलब पंजाब इनसे क्यों दूर भाग रही है? क्योंकि इनकी कीमत बहुत हाई है। मयंक अग्रवाल की जो रियल कीमत है वो 4-5 या 6 करोड़ रुपए होनी चाहिए आज के वैल्यूएशन के हिसाब से, लेकिन इन्हें 12 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। जाहिर है पंजाब देना नहीं चाहती। अब देखते हैं ट्रेडिंग में क्या कोई सी टीम इंटरेस्टेड होगी, क्या दिल्ली इंटरेस्टेड हो सकती है? कुछ न्यूज तो वैसे ही आई है। अगर शार्दुल ठाकुर दिल्ली से चले जाते जो मैंने बताया, तो फिर दिल्ली कोशिश कर सकती है मयंक अग्रवाल को लेने की, ट्रेड इन करने की। आगे बढ़ते हैं, 8वें प्लेयर है दोस्तों रोमिरो शेफर्ड। रोमिरो शेफर्ड सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में पिछले साल 7.75 करोड़ रुपए में बिके थे। ट्रेडिंग के लिए एसआरएच ने आगे जरूर किया, बट आई डोंट थिंक कि शायद कहीं जाएंगे। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर केन विलियमसन को आगे करती सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ट्रेडिंग के लिए, तो शायद वो जाते। हालांकि केन विलियमसन भी समय रिलीज होने वाले हैं, जो अभी तक की कुछ 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 उड़ती उड़ती रिपोर्ट आई है, देखते हैं क्या होता है। बट रोमिरो शेफर्ड सनराइजर्स हैदराबाद से क्या जाएंगे 7.75 करोड़ रुपए, कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो। आगे बढ़ते हैं, 9वें प्लेयर है दोस्तों क्रिस जॉर्डन। कल रिपोर्ट आ गई थी दैट चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने क्रिस जॉर्डन को आउट कर दिया है और इनको ट्रेड लिस्ट में भी डाला है 3.6 करोड़ रुपए में। बुरी डील नहीं है क्रिस जॉर्डन, इस समय वर्ल्ड कप में भी हमने देख लिया है, तो एक चीज हमें पता लग गई है कि बड़े मैचों का अनुभव आपको लाकर देंगे। इंग्लैंड के इंटरनेशनल प्लेयर छोटी बात नहीं है, वर्ल्ड कप जिताया है, इस समय इंग्लैंड की टीम का हिस्सा थे, तो जॉर्डन जा सकते हैं। देखो अगर शार्दुल ठाकुर डीसी से सीएसके में आते हैं तो सीएसके शायद कोशिश कर सकती है कि जॉर्डन को ट्रेड कराकर दिल्ली में डाल दें, तो ये चीज सक्सेसफुली हो सकती है आई थिंक। और दूसरी बड़ी चीज आरसीबी भी ले सकती है, बिकॉज आरसीबी ने जेसन बेरनड्रॉफ को आउट किया है, तो आरसीबी के पास भी एक जगह है, वो भी देख सकते हैं। 10वें प्लेयर है दोस्तों मनीष पांडे। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम से ट्रेड होने के लिए बैठे हुए, लगभग 4.5 करोड़ रुपए की कीमत थी। बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हुए थे, और कोई इतना जब फ्लॉप होता है तो कोई उसकी प्लेयर के पीछे फिर जाता नहीं है। लेकिन यार देखो इस समय गुजरात टाइटंस की जो टीम है उनके पास 2 स्पेस खाली हुए हैं, क्योंकि फर्ग्यूसन चले गए हैं, गुरबाज चले गए हैं, तो हो सकता है कि मनीष पांडे को लेने की कोशिश गुजरात टाइटंस कर, देखते हैं। ये थी भैया ट्रेड्स की रिपोर्ट, 10 प्लेयर जो कि हमारी ट्रेड की सूची में अपना नाम लिखे हुए। कमेंट बॉक्स में आप बता दो इनमें से कौन ट्रेड होगा, कौन नहीं और क्यों। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए कमेंट जरूर कीजिए, टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिए द रियल एमसीबी सर्च कर। इस वीडियो को लाइक और शेयर तो आप करते ही है, चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन दबाइए।